नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के वीकली 50 एमसीक्यू के अंदर। पिछला हफ्ता जो गुजरा उसमें आप सब ने लगातार मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास की होगी, तो आज वो बच्चा जो लगातार क्लासेस में आया होगा सुबह 6 बजे के एमसीक्यू में, वो आज इन सवालों के आंसर जो है वो कर पाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, जल्दी से वीडियो पर आ जाएँ और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारे आज के लाइव टेस्ट में, जिसमें 50 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने मंडे सैटरडे डिस्कस कर लिया है। सुपर 30 के संस्थापक को अमेरिका में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, यह व्यक्ति का नाम बताइए। क्या है इनका नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेलो ऑफ दिस हाईली एमिनेंट इंडियन? माफ करना, द आंसर इज इट इज आनंद कुमार। ये सुपर 30 के फाउंडर हैं। इनमें से किस परियोजना के लिए इसरो ने DRDO से हाथ मिलाया है? फॉर विच प्रोजेक्ट इसरो जॉइंट हैंड विद DRDO? आंसर है दोस्तों गगनयान, जो कि 2022 में आएगा, जिसमें भारत पहली बार कोशिश करेगा अपने लोगों को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की। ग्रेटा थुनबर्ग ने वॉशिंगटन DC में 2019 एमनेस्टी के एम्बेसडर्स ऑफ कॉन्शियंस पुरस्कार जीता है, यह है कौन? Greta Thunberg has won the 2019 Amnesty's Ambassadors of Conscience Award in Washington DC. Who is she? इनका दोस्त, ये दोस्तों जो हैं ये फिलहाल अभी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं स्वीडन के अंदर। स्वीडन की करेंसी जो कैपिटल है दोस्तों वो स्टॉकहोम है। आपको बताना है इसकी करेंसी क्रोना है या फिर क्रोन है। भरोसा एक बचत खाता इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भरोसा अ सेविंग्स अकाउंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर दोस्तों जो है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। इनके द्वारा आपका शुरू किया गया था भरोसा सेविंग्स अकाउंट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला पेमेंट्स बैंक है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान ताकत क्या है? आफ्टर अपॉइंटिंग 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस, वॉट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये अभी जो नंबर है दोस्तों वो है 34 या 34, 33 इसमें जजेस होंगे और एक रंजन गोगोई साहब जो हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओवरऑल ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हो सकती है। कैबिनेट ने गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने दिन की मजदूरी के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है? द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इक्विवेलेंट टू हाउ मच डेज वेजेस टू नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज? कितने दिन का उन्हें दोस्तों बोनस मिला है? सीधी साधी बात यह है तो उसका आंसर है आपका 78 डेज। श्री अमित शाह ने कहाँ पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की? श्री अमित शाह विल चेयर द 29th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न कजोनल काउंसिल एट? तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है चंडीगढ़। यहाँ पर ये आपकी मीटिंग हुई थी। सुरेश सेठी इनमें से क्या है? हु इज सुरेश सेठी? इनका बताना है आपको आंसर। इसका जो जवाब आपके सामने है वो है ऑप्शन सी, जो कि है ये MD CEO हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। IPPB भारतीय सरकार का खुद का एक पेमेंट्स बैंक है। 18 सितंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है? 18 सितंबर इज ऑब्जर्व एज वॉट? तो इसका आंसर जो दोस्तों है वो है वर्ल्ड बैम्बू डे या विश्व बांस दिवस। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश ने चोरी की 12वीं सदी की बुद्ध की मूर्ति को 57 साल बाद वापस किया है? कौन सा दोस्तों वो देश है? इसका आंसर एक ही हो सकता है और वो दोस्तों है यूनाइटेड किंगडम। अगर हम बुद्ध की मूर्ति की बात करें या स्टैचू ऑफ बुद्धा की बात करें तो अभी हाल ही में मंगोलिया में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टैचू ऑफ बुद्धा को भी इनॉग्रेट, उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है। वयोवृद्ध पत्रकार अजय सिंह की नियुक्ति इनमें से किस पद पर हुई है? वेटरन जर्नलिस्ट अजय सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वॉट? तो इसका आंसर है दोस्त, बहुत ही ये इस सवाल इम्पोर्टेंट है, ही इज़ द प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के ये प्रेस सचिव हैं। काम क्या करेंगे? प्रेस विज्ञप्ति देंगे या प्रेस अपडेट देंगे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। मयंक वैद का निम्न में से किससे संबंध है? इसका उत्तर दोस्तों जो आपके सामने आ जाएगा वो है आपका ट्रायथलन। हाल ही में एक इवेंट हुआ था आपका आयरन मैन के संबंधित, उससे रिलेटेड आपके मयंक वैद हैं।
उत्तराखंड के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, नेम दैट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसका आंसर है दोस्तों मोती बाग। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी है? Who has become India's first female military diplomat? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंजलि सिंह। मॉस्को में ये अपॉइंट हुई हैं डिफेंस अटैचे के तौर पर, और वहीं पर दोस्तों जो हैं ये पहली महिला डिफेंस अटैची बनी है, डिप्लोमैट बनी है इंडिया की। अंजलि सिंह है या इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप कन्फर्म करिएगा। अगर डाउट होगा तो मैं इसका आंसर करेक्ट आपको दे दूंगा, पर अंजलि नाम तो सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जयराम ठाकुर द्वारा शुरू की गई है, यह है कौन? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन इज लॉन्च्ड बाय जयराम ठाकुर, ही इज अ, दोस्तों ये फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। पीएम हसीना को सम्मानित इनमें से किससे किया गया है? यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, या फिर डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड? आंसर है आपका ऑप्शन डी। ये हमेशा किसी राजनयिक को या किसी राजनेता को दिया जाता है जहां पर वो इंटरनेशनल, उसने अपने देश में काफ़ी बेहतर की है स्थिति, उस वजह से ये सम्मान दिया जाता है। ECGC ने ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्विक योजना शुरू की है, निर्विक का विस्तार करें। दोस्तों निर्विक का जो पूर्ण रूप है, जो उसका फुल फॉर्म है, वो है निर्यात ऋण विकास योजना। इसमें जो महन अहम मकसद दोस्तों दिया गया है कि जो भी लोन लेता है एक्सपोर्टर, उस लोन को कवर किया जाएगा, उसका इंश्योरेंस 90% तक करेगा सरकार। भारत के किस राज्य को वैश्विक सुलभ पर्यटन बाजार में उभरते हुए गंतव्य के रूप में विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड स्पेशल मेंशन अवार्ड एज एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑन द ग्लोबल एक्सेसिबल टूरिज्म मार्केट? उत्तर है दोस्तों आपका थ्रिसूर, केरला। उसको दोस्तों ये एक उभरते हुए बाजार के तौर पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2019 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे? इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन। हर किसी को डेमोक्रेसी बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 24 किलोवाट की दीक्षी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन इनमें से कहाँ किया गया था? 24 किलोवाट दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, तो इसका उत्तर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर इसको किया गया था। निम्न में से कौन 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द ओनली इंडियन फिल्म इन द गार्जियन लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट फिल्म ऑफ द 21st century? तो इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, जो कि है गैंग्स ऑफ वसीपुर। ये 59th रैंक पे है। इसमें देयर विल बी ब्लड, जो कि 2007 की मूवी है, वो नंबर 1 रैंक पे है। एशिया सोसाइटी द्वारा 2019 एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2019 एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स अवार्ड? इसका उत्तर जो आपके सामने है वो है ऑप्शन ए, जो कि है IPS अफसर छाया शर्मा। इनको दोस्तों इस पे नियुक्ति की गई है, इनको दोस्तों ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे बढ़े, ले चले आपको हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्तों ये रहा। किस भारतीय क्रिकेटर को सोनीपत में राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर बनाया गया है? ही इज़ द हरियाणा हरिकन हिमसेल्फ, ये हैं आपके कपिल देव। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मुद्रा कोष योजना की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मुद्रा दल पोषित योजना? उत्तर है दोस्तों आपका उत्तराखंड, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी की नियुक्ति इनमें से किस पद पे हुई है? जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ, इसका आंसर है द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त, मतलब जो लोकपाल करता है सेंट्रल में, जो भी करप्शन के मामले हैं वो इनको देखता है, उसको दोस्तों आपका लोकायुक्त देखेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मंत्रियों के आयकर का भुगतान के कानून को भंग करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप लॉ टू पे मिनिस्टर्स इनकम टैक्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, जो कि है आपके सामने उत्तर प्रदेश, वो यहाँ पर इसका सही जवाब है।
आई होप आपने वीडियो को दोस्तों शेयर किया होगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद भी कर रहे होंगे। जिनको आंसर नहीं आ रहे हैं दोस्त, वो याद रखिए कि आपको लगातार देखना पड़ेगा मॉर्निंग का 6 MCQ, तो जाके आप यहाँ पर कुछ चमत्कार कुछ कमाल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल धर्ममेर ने इनमें से किसको पराजित करने के बाद म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खिताब जीता है? कौशल धर्ममेर क्लिंच द म्यांमार इंटरनेशनल सीरीज टाइटल ओवर विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है करोनो करोनो, उनको हराकर दोस्तों ये खिताब यहाँ पर जीता गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरुद्दीन यूसुफ हबीबी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक इनमें से क्या थे? इन दोस्तों ये क्या किस वजह से फेमस थे? इनका नाम दोस्तों जो है ये पूर्व राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, इस वजह से इनका नाम था और इनका देहांत हो गया है 83 वर्ष की उम्र में। निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक 193 सदस्यों को सौर पैनल भेंट किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ गिफ्टेड सोलर पैनल्स टू ईच ऑफ द 193 मेंबर्स ऑफ द UN? तो इसका उत्तर है दोस्तों इंडिया। हम सब जानते हैं इंडिया कितना ज़्यादा आपका इन्वॉल्व है इन सब मामलों में, और इसी मामलों में सोलर पैनल्स है उनको देने वाला भारत, सब देशों को देने वाला देश भारत है। यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा में विश्व निकाय के पर्यवेक्षक मिशन के प्रमुख के रूप में इनमें से किसकी नियुक्ति हुई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बॉडीज ऑब्जर्वर मिशन इन यमन स्पोर्ट सिटी ऑफ हुदैदा? दोस्तों यमन में जो उनका कैपिटल है सना, वो अभी भी उनके पास नहीं है। अभी हाल ही में यमन के जो रिबेल्स थे उन पे उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ही अटैक किया था सऊदी अरामको के, जो सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर ऑयल प्लांट है उस पर, तो इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन आपका बना है। इसके अध्यक्ष दोस्तों जो हैं वो हैं अभिजीत गुहा। आगे बढ़ते हैं। यूके ने कितने वर्ष के लिए विदेशी छात्रों के लिए वर्क वीज़ा बढ़ाया है? यूके हैज़ एक्सटेंडेड द वर्क वीज़ा फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स बाय हाउ मेनी ईयर्स? तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 2 ईयर्स, हर 2 सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू असेंबली बिल्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर है दोस्तों इसका आपका झारखंड, यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79th मेंबर बन गया है? इसका आंसर जो आपके सामने है वो है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, ये दोस्तों इसका मेंबर बन गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुलिस ने ट्रैफिक अपडेट के लिए गूगल तकनीक दिग्गज के साथ समझौता किया? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस हैज टाइड अप विद गूगल टेक जायंट फॉर ट्रैफिक अपडेट्स? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है दोस्तों आपका गुरुग्राम यहां पर इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ें। मेक इन इंडिया परियोजना के तहत निम्न में से कौन सी लंका ट्रेन बनाई गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग श्रीलंका ट्रेन हैज़ बीन मेड अंडर मेक इन इंडिया? ये आपकी ट्रेन सबसे तेज ट्रेन है श्रीलंका की, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो आपके सामने आ जाएगा, वो है ऑप्शन डी, जो कि है पुलातिसी एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने SCO सैन्य दवा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द SCO मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस? इसका आंसर है दोस्तों आपका इंडिया, इंडिया ने इसकी दोस्तों जो है वो मेज़बानी करी है। SCO में 8 मेंबर, SCO में इंडिया के अलावा और मेंबर्स भी हैं और इंडिया पाकिस्तान इसके नए मेंबर्स हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA ने अपनी प्रबंध समिति में महाबलेश्वर MS को शामिल किया है, वो इनमें से किस बैंक के MD और CEO हैं? तो इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, जो कि है कर्नाटका। इसके दोस्तों ये MD CEO यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन इनमें से कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर डिड दी ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? द आंसर हियर इज, इट इज ऑप्शन सी, जो कि है जैसलमेर। जैसलमेर में ये कॉन्फ्रेंस आपका दोस्तों किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। निम्न में से किस नेटवर्क कंपनी ने गूगल सहायक के साथ हाथ मिलाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कंपनी हैज टाइड अप विद गूगल असिस्टेंट? इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, जो कि है वोडाफोन। वोडाफोन के साथ दोस्तों ये अग्रीमेंट जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया है। चलिए आगे बढ़े, ले चलें आपको अगले सवाल पर। देश में 55वां जो ITC दिवस है मनाया गया, ये दिवस इनमें से किस भारत के उच्चायुक्त रिवा गांगुली ने मनाया? ये कहाँ पर मनाया गया? दोस्तों ये मनाया जा रहा है काफ़ी समय से ढाका बांग्लादेश में, उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे कैंपेन को चालू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
26वां भारतीय वायुसेना प्रमुख इनमें से कौन होंगे? ये दोस्तों इनका आंसर है, वो है RKS भदौरिया, ये बनेंगे अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आगे बढ़ते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जॉन बोल्टन की जगह एक नए राष्ट्रीय सलाहकार की दोस्तों यहाँ पर बात कही है। सवाल मेरा आपसे है कि ये नए राष्ट्रीय सलाहकार इनमें से कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट ओ ब्रायन। ये आपके चौथे NSA हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, उम्मीद करते हैं उनके कार्यकाल तक पूरा रहेंगे। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? द नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन, इसका आंसर है आपका नियर बाय नोएडा, इन ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसका उत्तर जो आपके सामने है वो है ऑप्शन ए, जो कि है सन 2020। 2020 में इसको अपॉइंट किया, 2020 में को तेलंगाना सरकार ने कहा है कि यहाँ पर ये इसका आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम होगा। सवाल मेरा आपसे दोस्तों है कि तेलंगाना की नए राज्यपाल कौन है? क्या उनका नाम तमिलाई सौंदरराजन है या कोई और है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। किस कंपनी के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ITI शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंपनी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज साइंड एन अग्रीमेंट टू ट्रेन ITI टीचर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, जो कि है IBM। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार किया है, यह योजना इनमें से किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका आंसर दोस्तों जो है वो है आपका सन 2016 में इस योजना को शुरू किया। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, परेशान ना हो, मंडे टू सैटरडे तक मेरा शो चलता है, उसमें डिस्कस करता हूँ डिटेल में, उसको देखना मत भूलिया करें, आपको आज सारे सवाल सही होंगे। निम्न में से कौन से फिल्म स्टार ने हाल ही में आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी स्टार है रिसेंटली वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द आईफा अवार्ड? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, आलिया भट्ट फॉर द मूवी राजी। आगे बढ़ते हैं। रवि दहिया समाचार में है क्योंकि वह 2020 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। सवाल है वो किस खेल के जरिए क्वालिफाई हुए हैं? उत्तर है आपका कुश्ती। इसमें दोस्तों आपके रवि दहिया हैं, बजरंग पुनिया है और साथ में विनेश फोगाट भी हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलेंटलेस पूर्व वित्त मंत्री की आत्मकथा है, आपको उनका नाम बताना है। इसका नाम दोस्तों जो है वो है यशवंत सिन्हा, वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। अभी हाल ही में उन्होंने इस किताब को रिलीज भी किया था। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप हमारे बैंक रेलवे SSC के बैचेस को चाहते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं अकेडमी प्लस पे, जहां पर हम सब पढ़ा रहे हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कंसेप्ट के साथ। आपको यूज़ करना है कोड टॉपिक स्टडी फॉर 10% डिस्काउंट। और साथ ही में अगर आप किसी को भी बैच लेते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल का हो, किसी भी कंपनी का हो, अकेडमी प्लस पर यूज़ करिएगा कोड दोस्तों टॉपिक स्टडी फॉर बेनिफिटिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद और जय भारत।